नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल शॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MFL इंडिया लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जो लोग इसमें शॉर्ट टर्म के लिए एंटर हुए हैं वो क्या उन्हें पता है कि उन्हें अपनी प्रॉफिट बुकिंग किस प्राइस पे करनी है? क्योंकि अगर आप टाइम से प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो जो शेयर अपर सर्किट पे चल रहा है कल को यही शेयर लोअर सर्किट पे भी चलेगा और आपका बना बनाया जो प्रॉफिट है वो लॉस में इंटर कर जाएगा। तो ऐसे में अगर आप नहीं जानते कि आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग कहां पे करनी चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं, जिन लोगों ने सिर्फ ये देखा कि 16 पैसे वाला शेयर 90 पैसे पे पहुंच चुका है, कंपनी में ने बहुत बड़ा रिटर्न दे दिया और वो लोग भी इस कंपनी को बाई करने की सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलती ना करें। क्योंकि अगर आप इस कंपनी को हाई लेवल पे बाई करते हैं और वहीं से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है तो आपको काफ़ी हैवी लॉस हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल भी गलती न करें करंट प्राइस पे इस कंपनी को बाई करने की। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है, सब कुछ डिटेल में एनालाइज करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, कोई भी पार्ट मिस न करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो देखते हैं इस कंपनी का डिटेल क्या बनता है। दोस्तों सबसे पहले अगर इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो आप देखेंगे कंपनी यहां पर एक रुपए के पास गया था, जस्ट यहां पे भी एक रुपए के पास में गया था और उसके बाद इस कंपनी में काफी भारी गिरावट आपको देखने को मिला था। इस प्राइस पे आप देखेंगे तो कंपनी बहुत बुरी तरीके से गिरा था। इसका मतलब है कि एक रुपए का रेजिस्टेंस इस कंपनी के लिए बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल है। कंपनी बार बार ब्रेक करने की कोशिश करता है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या बनता है। दोस्तों अगर डेली चार्ट पे इस कंपनी के डिटेल की बात करें तो सेम रेजिस्टेंस लेवल आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी का RSI आप देखेंगे 95 एबव हो चुका है। इसका मतलब है कि जल्दी इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं वो चाहे तो 50% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बचे हुए 50% को आगे के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो चाहे तो 100% की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और अपने बने बनाए प्रॉफिट में थोड़ी सी संतुष्टि पा सकते हैं। जो लोग बाई करने की सोच रहे हैं अभी बिल्कुल भी बाई ना करें, कंपनी में करेक्शन आ जाने दें, उसके बाद इस कंपनी को बाई करके चल सकते हैं। या फिर एक रुपए का रेजिस्टेंस लेवल जब यह कंपनी तोड़ता है उसके बाद इस कंपनी में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आप बाई करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने बाई किया है वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।